मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाया हूँ तीन ऐसा वर्ड्स जिसे आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि आपके डेली लाइफ में इन वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल होता है। यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विद रिगार्ड टू, विद रिस्पेक्ट टू और विद रेफरेंस टू। तो आइए देखें फ्रेंड्स कि आप अपने सेंटेंसेस में इन तीनों वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इन सभी का मतलब होता है के बारे में, के संबंध में या के विषय में। और इनका यूज करने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे एक सेंटेंस, उसके बाद आप कहेंगे विद रिगार्ड टू या विद रेस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू। आइए एग्जांपल्स में इन बातों को समझें। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नथिंग टू से विद रिगार्ड टू हर, या आई हैव नथिंग टू से विद रेस्पेक्ट टू हर, या आई हैव नथिंग टू से विद रेफरेंस टू हर। यानी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, मुझे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है, या मुझे इस मुद्दे के बारे में कुछ नहीं कहना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नथिंग टू से विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक, या आई हैव नथिंग टू से विद रेस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, या फिर आप ये कह सकते हैं आई हैव नथिंग टू से विद रेफरेंस टू दिस टॉपिक। यानी मुझे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है या इस मुद्दे के विषय पर कोई बात नहीं करनी है। वह इस घोटाले के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्पोक नथिंग विद रिगार्ड टू दिस स्कैम। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं ही स्पोक नथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कैम। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं ही स्पोक नथिंग विद रेफरेंस टू दिस स्कैम। यानी वह इस घोटाले के बारे में कुछ भी नहीं बोला। आप मेरी टीचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे या क्या कहना पसंद करेंगे, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू से विद रिगार्ड टू माय टीचिंग, या व्हाट वुड यू लाइक टू से विद रिस्पेक्ट टू माय टीचिंग, या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू से विद रेफरेंस टू माय टीचिंग। यानी आप मेरी टीचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों टॉपिक्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि विद रिगार्ड टू, विद रिस्पेक्ट टू और विद रेफरेंस टू क्या है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।